आपने कहीं सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो प्योर जोस क्वालिटी की प्रीमिक्स पाउडर्स होती हैं उनकी चर्चाएं ज़्यादा होती है, और उनसे बनी जो अगरबत्ती होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और बेंगलोर क्वालिटी की अगरबत्ती वो मानी जाती है। तो प्योर जोस क्वालिटी का प्रीमिक्स आप कैसे तैयार कर सकते हो वो भी आसानी से, इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, और एक एक चीज़ का मैं आप डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड मैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के जरिए से देता रहता हूँ, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये सामने मैं कुछ पाउडर्स रखा हुआ हूं, तो सभी पाउडर्स का मैं डिटेल आपको वो एक एक करके बताऊंगा। और अगर इस पाउडर से आप 100% बनाएंगे तो आपकी जो प्रीमिक्स पाउडर है वो प्योर जोस क्वालिटी में तैयार होगी, और जो बेंगलोर क्वालिटी की जो प्रीमिक्स पाउडर जो होती है वैसे ही आपकी जो प्रीमिक्स पाउडर है वो बनेगी। ये प्योर क्वालिटी में ये चारकोल है जो प्योर वुड से जो तैयार हुआ है वो चारकोल है ये। और आप भी अगर चारकोल कहीं से भी खरीदें तो ध्यान दें कि आपका जो चारकोल है वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रीमिक्स है वो अच्छी क्वालिटी में तैयार हो। उसके बाद है हमारा वुड पाउडर। वुड पाउडर आप जनरली देखे होंगे कि दो टाइप्स में आते हैं, ये है हमारा 80 ms का, और एक होता है 60 ms में। तो ये मेरे पास है 80 ms, 80 ms का जो वुड पाउडर है, और ये भी आपको अच्छी क्वालिटी में चाहिए होगी। और तीसरा चीज़ है हमारा जोस पाउडर। इस प्रीमिक्स को तैयार करने के लिए हमारा सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है वो है जोस पाउडर। और जोस पाउडर जो है आपकी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, और जो वियतनाम वाली जो जोस पाउडर होती है वो आपको लेना होगा। तो ये है हमारे पास जोस पाउडर, जिनसे हम तैयार करेंगे प्योर जोस क्वालिटी का प्रीमिक्स पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आगे इसके बारे में वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसका जो यूज़ होता है अगरबत्ती में वो क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करती है, और जो हमारी बर्निंग प्रॉब्लम आती है, जो हमारी अगरबत्ती में जो बर्निंग प्रॉब्लम्स जो होती है, जलने की क्षमता, उसको ये बढ़ाता है। इसके बाद मैं मिक्सिंग का आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको किस किस रेशियो में आपको किन किन पाउडर्स का डालना है, और ये फार्मूला मैं 1 kg के अंदर ही बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये टब्स जो है हम रख लेते हैं, और सबसे पहले हम ऐड करते हैं चारकोल। चारकोल हमें 600 ग्राम एवरेज लेना होगा, तो 600 ग्राम हम ले लेते हैं। पहले ट्रिप कर लेते हैं थोड़ा। अब देख रहे हैं कि हमारा 600 ग्राम चारकोल जो है ऐड हो चुका है, और उसके बाद हम डालेंगे वुड पाउडर। ये है हमारा वुड पाउडर। वुड पाउडर आप 350 ग्राम ऐड कीजिए, और अगर हो सके तो 400 ग्राम भी डाल सकते हो, पर मैं अभी 350 ग्राम इसमें ऐड कर रहा हूँ। साढ़े 350 ग्राम हमारा हो गया वुड पाउडर। अब चारकोल और वुड पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम मिलाएंगे जोस पाउडर। आप ध्यान देंगे कि जो चारकोल और वुड पाउडर का कॉम्बिनेशन है उसको अच्छे से मिक्स करना है। जनरली ये मिक्सिंग मशीन से किया जाता है, लेकिन अब हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हाथ से कर सकते हैं, और हाथ से आप 5 से 10 किलो ही बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होगी तो आपको मिक्सर जो मशीन होती है उसका यूज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादातर मैं मिक्सर मशीन से बनाता हूँ, लेकिन आज आपको आपकी सुविधा के लिए हाथ से कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखेंगे कि हमारा चारकोल पाउडर जो वुड पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, और देखिए कि आपका जो पाउडर्स है वो कहीं ही नज़र नहीं आ रहा है, वो पूरा चारकोल के साथ अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो चुका है। तो इस तरह से आपको पहले चारकोल और वुड पाउडर को मिक्स करके रखना है, उसके बाद ऐड करना है आपको जोस पाउडर। तो ये है हमारा जोस पाउडर, और जोस पाउडर के बारे में मैंने बताया कि ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, तभी आपका प्योर जो है जोस क्वालिटी का प्रीमिक्स पाउडर तैयार होगा। और इसे हम ऐड करेंगे 150 ग्राम के एवरेज, 150 ग्राम आपको 1 kg के अंदर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा
160 ग्राम हो चुका है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जोश पाउडर हमारा ऐड हो चुका है। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये आप देखिए कि हमारा जो है जोश पाउडर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और उसके बाद है हमारा पोटेशियम पाउडर, इसे हम पानी में ऐड करेंगे। आप कभी भी इसे प्रीमिक्स पाउडर में मत मिलाइएगा, नहीं तो आपका प्रीमिक्स पाउडर है पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको इसे पानी में मिलाना है और ये 30 से 40 ग्राम आपको 1 kg प्रीमिक्स के अंदर आपको डालना होगा। तो ये हम डाल देते हैं, 40 ग्राम एवरेज है ये। ये पानी में डालते ही आपका पूरा जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो पूरा घुल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिक्सिंग इसमें। इसके बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है मिनिमम 650 ग्राम, और आपको यदि थोड़ा सा सूखा लगता है तो इसमें आप 30, 40 या 50 ग्राम के ऊपर आप और जो है पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मिनिमम मैं 650 ग्राम डालता हूँ इसमें। ये हो गया हमारा 650 ग्राम पानी। अब फिर इसे एकदम अच्छे से जो है हमें मिक्स करना है। आप देख रहे हैं कि आपको इसी तरह से इसको प्रॉपर जो है आपको मिक्स करना होगा। और ध्यान दें कि ये मिक्सिंग जो है आप अच्छे से करिए, तभी आपका ये जो है मशीन में चलने के लिए आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो इसका कण है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसे हम और अच्छे से मिक्स करते हैं। आप देखिए कि ये प्रॉपर अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो चुका है। इसके बाद में आपको मशीन में जो है अपनी चला के दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से आपकी जो है इसमें अगरबत्तियां प्योर क्वालिटी में जो है तैयार होंगी। तो वीडियो में आप बने रहिए। और मशीन जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो ये है प्रीमिक्स पाउडर, उसके बाद आप थोड़ा सा मिक्सिंग कर कीजिए उसे मशीन से और थोड़ा सा ट्रायल लीजिए। आप प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद आपको कुछ स्टिक लेनी है, जैसा कि पहले मैं कुछ वीडियो में और बता चुका हूं आपको, और कुछ स्टिक से आपको सिंगल में निकालना है। और इस टाइप से आपको बत्ती की जो है आपको सेटिंग जो है आपको करनी है। ये इसके बारे में पहले बता चुका हूं आपको, मिनिमम 2 से 3 mm ये रहना चाहिए। और अगर बत्ती आप देखिए, अगर बत्ती आप देखिए एकदम परफेक्ट जो है इसका क्वालिटी में तैयार हुआ है। ये है आपका जो है बेंगलोर क्वालिटी की अगरबत्तियां। अगर आप इस तरीके से अगर प्रीमिक्स पाउडर बनाते हो तो आपकी जो जो अगरबत्ती है वो 100% फिनिशिंग में तैयार होगी, और जो है वो एकदम परफेक्ट होगा आपके परफ्यूमिंग के लिए, या फिर आप रॉ अगरबत्ती का जो है सप्लाई करते हो उनके लिए। तो आपको इस तरीके से जो है प्रीमिक्स पाउडर तैयार करना है, और आगे प्रोसेस मैं चला के दिखाता हूँ आपको। आपकी जो मशीन है वो एकदम स्मूथ चलेगी अगर इस टाइप का प्रीमिक्स पाउडर आप बनाओगे तो।
आप देखे ही होंगे कि किस तरह से बन रही है हमारी अगरबत्तियां। और मशीन की बात करूं तो मैं मशीन एकदम स्मूथ जो है चल रहा है और क्वालिटी आप देखिए। तो ये है हमारी बेंगलोर क्वालिटी की अगरबत्तियां। आप अगर इस तरह से अगर तैयार करते हो तो आपकी जो है 100% इसमें क्वालिटी आएगी। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।